रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भारतीय रेल निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में पूर्वोत्तर के राज्यों में भी रेल कनेक्टिविटी के विस्तार का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसमें मणिपुर में किया जा रहा जिरीबाम इम्फाल नई रेल लाइन परियोजना का कार्य लगभग 92% तक पूरा हो गया है। इस रेल लाइन परियोजना में मणिपुर के जिरीबाम से लेकर राजधानी इम्फाल के बीच 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिसके लिए कई टनल, पुल और रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इस रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही 52 टनल में से 48 टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं इस परियोजना में 11 प्रमुख पुल होंगे, जिनमें से 7 पुलों की उपसंरचना और 5 पुलों की अधिसंरचना पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इस रेल लाइन में 11 स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, जिनमें से 6 स्टेशनों का निर्माण हो चुका है। इस रेल लाइन में जो 11 स्टेशन जुड़ेंगे, उनमें जिरीबाम, वंगाई चुंगपाओ, रानी गाय दिल्ल्यू, कांबिरोन, थिंगो, खोंगसांग, अवंखुल, नोने, तुपुल, हाचंग और इम्फाल शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा नोने ब्रिज इस रेल लाइन का महत्वपूर्ण ब्रिज होगा, जो मणिपुर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज होगा, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर और लंबाई 703 मीटर होगी। इस पुल की सहायता से जिरीबाम इम्फाल के बीच का 11 से 12 घंटे का सफर घटकर महज 2 से 3 घंटे के बीच का रह जाएगा। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में किए जा रहे इस रेल लाइन के निर्माण में कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस परियोजना में कार्य करने वाले इंजीनियर्स और कर्मचारी हर चुनौती का सामना करते हुए कुशलतापूर्वक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस रेल लाइन के निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी भारतीय रेल के जरिए नए भारत के निर्माण में पूर्वोत्तर का ये क्षेत्र भी निभाएगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका।